हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीषा कुकिंग किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। काफ़ी टेस्टी बनेगा और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा सीक्रेट टिप जिससे ये सूजी का हलवा खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि बनते ही पूरा सफाचक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ मैं आपका मनीषा कुकिंग किचन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। काफ़ी टेस्टी बनेगा और घर में सबको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है 1 बड़ी कटोरी सूजी, 1 बड़ी कटोरी चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, किशमिश ले रखा है, आप इसको मनुक भी कह सकते हैं, काजू ले रखा है थोड़ा सा, बादाम ले रखा है और टूटी फूटी ले रखा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा। अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब मैं इसके अंदर घी डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डाल रखा है। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं ये सारे इसके अंदर डाल लेती हूँ। फ्राई कर लेंगे इसको अच्छे से। इसके अंदर हमने टूटी फ्रूटी नहीं डाला है, फ्राई कर लेंगे इनको अच्छे से हम लोग। तो ये हमारा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए अब हम इनको दूसरे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसके अंदर सूजी डाल लेती हूँ, मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से इनको मिक्स करते रहेंगे हम। तो अब मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, मिक्स करते रहेंगे इसको अच्छे से। और दोस्तों, साइड में यहाँ पे हमने गर्म पानी भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इनको दूसरे प्लेट में। तो अब हम इसके अंदर चीनी डाल लेते हैं, मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं, मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से इनको। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो अब हम इसको 2 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इस प्लेट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा बन के रेडी हो गया है अच्छे से। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे हम लोग। तो अब मैं इसके अंदर टूटी फ्रूटी डाल लेती हूँ और बस बनके रेडी हो गई है हमारी ये। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, बस बनके रेडी हो गई है हमारी सूजी का हलवा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप इसको नॉर्मली घर पे भी बना सकते हैं, या तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, तो आप उसके लिए भी ये बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा और घर में सबको पसंद भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं और ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। मिलते हैं अगर ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए खाते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।